12th मेंस आरबीएसई एक्सरसाइज नंबर 8.5 फिफ्थ क्वेश्चन x अपॉन 1 प्लस x tan x एक फंक्शन दे रखा है, इसका मान उच्चिष्ट यानी मैक्सिमम होगा और वो पॉइंट होगा x = cos x, ये मैं उसमें प्रूव करता है। तो सबसे पहले आप इसको y = करो, इसका डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में करते हैं, तो dy / dx = d/dx ऑफ x upon 1 plus x tan x, यहां पर डिफरेंशिएशन होगा u upon v से, तो d by dx of u upon v कितना होता है v square v du upon dx minus u and dv upon dx। अब इसमें बहुत केयरफुली देखो, ये ऊपर वाला पार्ट है ना, इसको u और इस पूरे पार्ट को v ले लेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन ये v square 1 plus x tan x का होल स्क्वायर, यहां पर आ जाएगा 1 प्लस x tan x और डिफरेंशिएशन ऑफ इसका x का माइनस x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस x tan x। अब आप इसको बहुत केयरफुली सिंप्लीफाई करें और इसका डिफरेंशियल पार्ट भी लिख लेंगे, 1 प्लस x tan x का होल स्क्वायर, ये 1 प्लस x tan x और इस x का डिफरेंशियल हो जाएगा 1, माइनस x पड़ा है इसका डिफरेंशियल करते हैं, 1 का 0 प्लस यहां वापस u into v लग जाएगा, तो x पड़ा है tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस अब क्या tan x पड़ा है और x का हो जाएगा 1। अब इनके ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं तो हमारे पास आएगा 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा आ जाएगा 1 प्लस x tan x और यहां पर इस ये जो x है ना ब्रैकेट ओपन करेंगे इससे मल्टीप्लाई कर लेगा तो माइनस का x स्क्वायर sec स्क्वायर x माइनस x tan x अपॉन 1 प्लस x tan x का होल स्क्वायर। अब इसमें देखो x tan x और ये x tan x दोनों कैंसिल आउट, तो रिजल्ट जो बच रहा है वो हमारे पास आएगा dy upon dx is equals to ये 1 पड़ा है माइनस x स्क्वायर एंड ये sec स्क्वायर x upon 1 plus x tan x का होल स्क्वायर। अब आपको उसमें मैक्सिमम मिनिमम मिनिमम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, इस डिवाइड अपॉन डीएक्स को इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं, इससे हमें क्या मिलेगा, इससे वो पॉइंट मिलेगा जहां पर की मैक्सिमम मिनिमम हमें डिस्कस करना है, उस पॉइंट को अचीव करने के लिए फॉर मैक्सिमा और मिनिमा पुट डिवाइड अपॉन डीएक्स इज इक्वल टू 0, डिवाइड अपॉन डीएक्स की वैल्यू 1 माइनस x स्क्वायर sec स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस x और ये tan x का होल स्क्वायर 0। अब आप इसको ना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये पार्ट तो इसका 0 हो जाएगा, यहां बच जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर sec स्क्वायर x 0। इसको राइट साइड ट्रांसफर कर लें, 1 इक्वल्स टू x स्क्वायर और ये sec स्क्वायर x। अब आप इसमें देखो ये जो x स्क्वायर ना क्रॉस मल्टीप्लाई से 1 के नीचे आ जाएगा, तो 1 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये हमारे पास sec स्क्वायर x और sec स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर x और ये 1 अपॉन x स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा x स्क्वायर और cos x इक्वल्स टू आ जाएगा x, यानी कि x इक्वल्स टू cos x पर मेरे को डिस्कस करना है कि ये मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, उसके बाद में प्रूफ तो वैसे करना है x इक्वल टू cos x पर ये मैक्सिमम ले रहे हैं इसका मान उच्चिष्ट है, बट अभी यहां आप ये नहीं कह सकते कि उच्चिष्ट होगा या निम्निष्ट होगा, उसके लिए मेरे को एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, किसका इसको आप फर्स्ट इक्वेशन और इसको आप सेकंड इक्वेशन, इसका मुझे इसमें एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा।
पड़ेगा, उसके बाद हम डिसाइड कर पाएंगे कि इसको x equals to cos x पर ये जो गिवन फंक्शन है मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। पहले कॉपी कर, अब देखो उनको हटा सकते हैं, एक बार और डिफरेंशियल मिला है इसका, तो हमारे पास हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर और sec स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस एक्स टेन एक्स का होल स्क्वायर। बाकी को रिमूव कर सकते हैं, ये ध्यान रखें जो तो पॉइंट है वो x इक्वल्स टू कॉस एक्स आया, इसके ऊपर में डिस्कस करना है। तो देखो इसका डिफरेंशिएशन u अपॉन v से करेंगे, तो ये u और ये v, तो अपॉन जो ना फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है ना इसका होल स्क्वायर होता है v स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर ऑलरेडी स्क्वायर है तो पावर फोर हो जाएगी। यहां पर v कहता है 1 प्लस x tan x होल स्क्वायर और d by dx ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर एंड sec स्क्वायर माइनस, अब क्या इसको यहां पर रख देंगे 1 माइनस x स्क्वायर sec स्क्वायर x और d by dx ऑफ किसका किसका 1 प्लस x और ये tan x का होल स्क्वायर। अब आप इसको देखो करते हैं डिफरेंशिएशन इसका, तो मेरे को क्या मिलेगा, ये तो हमारे पास है 1 प्लस x tan x की होल पावर 4 और यहां पर 1 प्लस x tan x होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन 1 का तो 0 हो जाएगा और यहां u इंटू v लग जाएगा, तो पहले x स्क्वायर का करें तो 2x और sec स्क्वायर x एज इट इज प्लस होता है, बट बार माइनस होने की वजह से माइनस रह जाएगा, ये x स्क्वायर और sec स्क्वायर x का हो जाएगा 2 sec x इंटू, देखो sec स्क्वायर x है ना तो इसका 2 sec x और sec x का हो जाएगा sec x इंटू tan x, तो ये हो जाएगा 2 sec स्क्वायर x tan x। आपको समझे कैसे किया मैंने, sec स्क्वायर x है x को n लगाएंगे पहले तो 2 आगे आ जाएगा x sec x और sec x से वापस डिफरेंशिएट करेंगे तो sec x into tan x आ जाएगा, तो sec x दो बार आ जाएगा इसलिए इसको sec स्क्वायर x tan x लिख सकते हैं माइनस, ये यहां पर 1 माइनस x स्क्वायर और ये sec स्क्वायर x, तो आगे इसका डिफरेंशिएट करना है तो मेरे ख्याल से इसको ऐसा लिखें तो भी हो जाएगा, क्योंकि यहां पर अगर जब मैं x की वैल्यू रखूंगा ना तो ये पार्ट जीरो होना है, तो इसलिए इसको डिफरेंशिएट नहीं करें तो भी चल जाएगा d by dx of 1 plus x tan x का होल स्क्वायर। अब आप इसमें जो पॉइंट था वो कितना था एट x equals to cos x पर पता लगाना है मैक्सिमम, ये वाला x equals to cos x अगर इस पर पुट कर देते हैं तो एट दिस पॉइंट d2y upon dx स्क्वायर कैसा होगा, पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव पता लगाना है, तो इसके लिए ये ध्यान रखें मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पर जीरो होना है इसलिए मैं आगे इसको डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जीरो इंटू जो कितना भी इसकी वैल्यू आएगी जीरो हो जाएगी इस वजह से। यहां पर देखो x इक्वल टू cos x होता है तो यहां पर देखिए 1 प्लस x जगह पर आप cos x रख सकते हैं और tan x हो जाएगा sin x अपॉन cos x और होल पावर आ जाएगी 4। यहां पर बात करें 1 प्लस x tan x, x जगह क्या रखना है cos x और ये हो जाएगा sin x upon cos x और होल पावर 2, या बिल्कुल ढंग से बात करेंगे ये माइनस का 2x, ध्यान से देखो
माइनस का 2x, यार आप एक ब्रैकेट मेंटेन कर रहे हैं, यहां पर हो गया मेरे पास में माइनस का 2x, तो माइनस 2x जगह cos x, और ये हो गया sec स्क्वायर x, मतलब 1 अपॉन cos स्क्वायर x, माइनस x स्क्वायर है मींस cos स्क्वायर x, ये 2 पड़ा है, ये हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर x, और tan x को लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x, माइनस, अब मैं x जगह पर अगर मैं cos x रखूंगा तो cos स्क्वायर x हो जाएगा, तो cos स्क्वायर x * sec स्क्वायर x कितना होता है, 1 होता है, और 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, तो 0 * दिस वैल्यू 0 हो जाएगा। अब आप इसको कॉपी करो, पहले इसके बाद देखते हैं this is equals to d2y upon dx square at this point x equals to cos x बात हो रही है, यहां पर देखो एक cos कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1 plus sin x whole power 2, और यहां पर देखो एक cos कैंसिल, ये बचेगा मेरे पास में माइनस का 2, 1 upon cos को मैं लिख सकता हूं sec x, यहां पर cos square x और cos square कैंसिल, ये माइनस में है और ये 2 है, और sin upon cos को लिख सकते हैं tan x upon, बहुत केयरफुली एक cos कैंसिल, 1 plus sin x whole power 4, अब देखो ये होल स्क्वायर था, ये होल 4 का तो पावर 2 हो जाएगा, सेम है, यहां पर देखो माइनस का 2 कॉमन आ रहा है, माइनस 2 sec x plus tan x upon 1 plus sin x की पावर 2, अब देखो यहां पर सारी वैल्यू पॉजिटिव है, बस इस माइनस की वजह से इसका जो रिजल्ट आएगा वो कैसा होगा, लेस देन 0 यानी नेगेटिव होगा, तो इट विल लेस देन 0, देयरफॉर y तो 1 है, y हमारे पास जो क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यू दे रखी है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, y हैज मैक्सिमा एट x इक्वल्स टू cos x, तो कि लेस देन 0 आ गया, यानी कि उच्चिष्ट है, इसके ऊपर मैक्सिमम मतलब उच्चिष्ट। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आप एक तो फॉर्मूला को बहुत अच्छी तरह ध्यान में रखें कि कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, और कैलकुलेशन पार्ट बहुत स्ट्रांग रखें तो ये क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट होते हैं। एक आप चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।